कार्तिक आर्यन आशिकी 3 फिल्म के होंगे हीरो। फिल्म के गाने के साथ अनाउंस किया अपना नया प्रोजेक्ट। आपको बता दें कि हमने कार्तिक आर्यन को ज्यादातर रोमांटिक और कॉमेडी किरदार में ही देखा है, लेकिन अब कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म में एक हार्डकोर रोमांटिक हीरो बनने जा रही हैं। दिल छू देने वाली लव स्टोरी के लिए पॉपुलर आशिकी फ्रेंचाइजी की 3rd पार्ट बनने जा रहा है और इसके हीरो कार्तिक आर्यन होंगे। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर आशिकी 3 की अनाउंसमेंट शेयर की है। कार्तिक आर्यन ने ट्विटर पर एक छोटी सी क्लिप शेयर की जिसमें आशिकी 3 टाइटल लिखा हुआ है और इसके बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह की आवाज़ में अब तेरे बिन जी लागे हम गाना बज रहा है। और ये तो भूलने वाली बात है ही नहीं कि ये गाना सबसे पहली आशिकी फिल्म का है जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल स्टार ने लव स्टोरी बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है और इसमें कुमार सानू का गाया अब तेरे बिन जी लागे हम गाना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। कार्तिक आर्यन की आशिकी 3 वाली अनाउंसमेंट में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका 3 आग के एनिमेशन से लिखा हुआ है। वीडियो के साथ फिल्म अनाउंस करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा, अब तेरे बिन जी लागे हम जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। आशिकी 3 ये बहुत दिल दहला देने वाली कहानी होगी। आपको बता दें कि अनुराग वासु के साथ कार्तिक आर्यन की ये पहली फिल्म होगी। फिल्म के टाइटल में आग वाला एनिमेशन और कार्तिक आर्यन का दिल दहला देने वाली लव स्टोरी कहना इस बात की तरफ इशारा है कि कहानी बहुत बेहतरीन होने वाली है। आशिकी 3 डायरेक्ट करने जा रहे अनुराग वासु वैसे भी अपनी दिल तोड़ देने वाली लव स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साया, मडा गैंगस्टर और लाइफ इन मेट्रो जैसी फिल्में बनाई हुई हैं जिनकी लव स्टोरी अपने आप में एक अनोखापन है। अब कार्तिक आर्यन जैसे बेहतरीन एक्टर आशिकी 3 में अनुराग वासु क्या कमाल करने वाले हैं, ये सोचने वाली बात होगी। आशिकी फ्रेंचाइजी को लव स्टोरी के साथ साथ बेहतरीन गानों के लिए भी जाना जाता है। जहां पहली फिल्म के गाने आज भी आइकॉनिक हैं, वहीं श्रद्धा कपूर, आदित्य राय कपूर स्टार आशिकी 2 में भी तुम ही हो और तू ही मुझको बता दे आज भी गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आशिकी 3 की अनाउंसमेंट ही अरिजीत सिंह की आवाज़ में होना और साथ में म्यूजिक कंपोजर प्रीतम का फिल्म से जुड़ना इस बात की गारंटी है कि कार्तिक आर्यन कुछ बेहतरीन रोमांटिक गानों के साथ दिखने वाले हैं। आशिकी 3 कब से शुरू हो रही है और कब रिलीज होगी इस बात की तो खबर अभी सामने नहीं आई है और साथ ही इसमें हीरोइन कौन होगी इस बात की भी खबर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस के लिए फिल्म का इंतज़ार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन कृति सैनन के साथ उनकी फिल्म शहजादा 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली है। इसके बाद कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी के साथ फिल्म सत्य प्रेम की कथा में भी नज़र आने वाले हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।